हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे इतना सारा डिशेस मैंने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं बनाया है। मम्मी जो मामा के घर गई थी ना, मम्मी के भाई के घर गई थी ना, तो आ गई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इतना सारा कुछ बनाया है। इतना सारा भी नहीं बनाती मम्मी, लेकिन ये सब ख़राब होने लग गया था। तो जो जो ख़राब होगा, जो जो वेजिटेबल ख़राब होगा, उससे मम्मी ने बना लिया सब कुछ। तो और मैंने सुंदर से सजा के लिया है, बस इतना ही। और फ्रेंड्स, आज मेरा मन जो है ना, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। वो लोग भी और भी लेट करके आए, लेकिन मेरी नीस, मेरे बहन की शिष्य बच्ची है ना, वो उसका तबीयत ख़राब हो गया था, उसको बुखार आ गया था। तो इसलिए जल्दी से वो लोग आ गए मामा के घर से। तो फ्रेंड्स, खाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिक्स वेज है, साग है, पम्पकिन लीफ का साग है, दाल से बनाया है, और यहाँ पे पोटैटो फ्राई है ओनियंस है, और ये दाल है, ये काकरूल बोलते हैं इसको, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुझे पता नहीं, बंगाली में काकरूल बोलते हैं, उसको बॉईल करके लिया है। फ्रेंड्स, ये सब सारे बंगाली डिशेस है, ये मैंने खुद से सुंदर दिखने के लिए लिया है। खाने में कैसा लगेगा मुझे पता नहीं, खा के देखना पड़ेगा।
हमारे यहाँ पे सुबह से इलेक्ट्रिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है, इसलिए ज़्यादा पानी पी रहा हूँ मैं। पोटैटो फ्राई कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना है फ्रेंड्स। ये मटर का दाल है, फ्रेंड्स कैप्सिकम पूरा नहीं खा पाया क्योंकि ये रियल चिली से भी ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, इसलिए नहीं खाया मैंने। और ये फ्रेंड्स ज़्यादा ये फीका है, ये टेस्टलेस लगता है, टेस्ट नहीं है इसमें कुछ, इसलिए मैंने लिया था। देखने में सुंदर लगता है इसलिए लिया है मैंने, लेकिन बंगाली, हम बंगाली लोग ऐसे नहीं खाते कुछ।
ये लोग ये सब चीज़ें ऐसे ही खाते हैं, बंगाली ये सब खाते हैं। ये साग है, पोटैटो फ्राई, ये मिक्स वेजिटेबल है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बंगाली डिशेस कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।